मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद गर्मा गया है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। नवनीत राणा ने सुबह 9 बजे का वक्त दिया था और इससे पहले ही बड़ी संख्या में शिव सैनिक उनके घर के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। कुछ शिवसेना कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे, मगर किसी तरह से पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया है। हंगामा खार इलाके में सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर किया जा रहा है। नवनीत के पति रवि राणा निर्दलीय विधायक है। दोनों ने ही मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। नोटिस मिलने के बावजूद नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़ी हुई थी। इस संबंध में मुंबई पुलिस ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है। राणा दंपति के फैसले के बाद सीएम के बंगले मातोश्री के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ा कर दिया गया है। सिर्फ सैनिक जो उद्धव ठाकरे के सैनिक हैं और जो बाड़ा साहब के विचार जो भूल गए ऐसे सैनिक हैं, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हल्ला कर रहे हैं, कल मुझे लगता है सभी पूरे देश ने देखा होगा कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी के पूरा परिवार फैमिली वहां पर आई और उद्धव ठाकरे ने 2 घंटा मीटिंग ली और मीटिंग लेके ये डिसाइड किया है कि अपने जो गुंडे हैं उनको भेजकर इन पे हल्ला हमको करवाना है और इनको ठीक करना है। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है, और एक आमदार एक खासदार जो ये बोलता है, एमपी और एमएलए जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7:30 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए इनको क्यों नहीं जमाबंदी की, इनको क्यों नहीं रोका गया? ये किसके प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं? या उनको बैरिकेड तोड़ के हमारे घर के पास आने तक और हमारे गेट के अंदर घुसने तक इतनी ताकत किसने दी, उनको किसने रिलीफ दी? सबसे पहला प्रश्न है मेरा डिपार्टमेंट को। जिस तरीके से गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि राणा दंपति ने अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ना है, अरे जब से आप लोग आए तब से सुव्यवस्था पूरे महाराष्ट्र में खराब हुई है और आप अपने लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, अपने लोगों को और अपने डिपार्टमेंट को गलत तरीके से आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है हनुमान चालीसा का इतना विरोध उद्धव ठाकरे जी क्यों कर रहे हैं। मैं आखिर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को विनंती करूंगी, देश के प्राइम मिनिस्टर जी और राष्ट्रपति जी को भी विनंती करूंगी कि हमारे महाराष्ट्र पे ध्यान दीजिए। हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, जो गुंडाशाही हो रही है, जो आदेश पे हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर हमें नजर कैद में और बंद रख सकते हैं, घर के अंदर बंद किया जाता है, पुलिस वाले 10 हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े, तो मुझे लगता है वो शिव सैनिकों को इतनी रिलीफ क्यों दी गई है? हम तो कोई गुंडे नहीं है, हमारे हाथ में तो कोई तलवारें नहीं है, ना ही हमारे हाथ में कोई पत्थर है, ना ही हमारे हाथ में कोई डंडे हैं, तो फिर एमएलए और एमपी को ऐसे दरवाजे के अंदर बंद किस तरीके से किया जा रहा है?